जय श्री महाकाल दोस्तों, आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं 8 नवंबर 2022 को जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आएंगे। जानेंगे इस ग्रहण का जो सही समय है वो कब से कब तक रहेगा, भारत में देखा जा सकेगा नहीं। वैसे भारत में पूरी तरह देखा जा सकेगा, अच्छी बात यह है। और ये किस राशि में लग रहा है, किस नक्षत्र पर लग रहा है, किस राशि पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा इस ग्रहण का, इस बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूएम एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ग्रहण के बारे में। देखिए, यह जो ग्रहण लगेगा 8 नवंबर दिन मंगलवार सन 2022 में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ये मेष राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा, भरणी नक्षत्र होगा। चंद्रमा को राहु ग्रहण लगा रहे हैं और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण लगेगा। भारत समेत और भी दुनिया के कई देशों में इसे देखा जा सकता है। भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक, उत्तरी और मध्य अमेरिका में भी लोग इसको देख सकेंगे। अच्छी बात यह है कि यह संपूर्ण भारत में नजर आएगा। थोड़ी सी सावधानी रखनी है, नंगी आँखों से कभी भी ग्रहण को नहीं देखना है, किसी लेंस का, चश्मे का प्रयोग करें, उसी से ग्रहण को देखें। क्योंकि आप जानते हैं चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के टाइम पर जो ग्रहण होता है कुछ नकारात्मक एनर्जी होती है, तो उससे आप बचें। भारत में यह ग्रहण शाम को 5:07 से शुरू होगा और 6:18 तक रहेगा, जिसे आसानी से देखा जा सकता है। और अलग अलग शहरों में थोड़ा 5-10 का अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। तो यह जो ग्रहण पड़ रहा है मेष राशि में पड़ रहा है, तो मेष राशि के जातकों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और उसकी जो दृष्टि पड़ रही है सीधे सीधे वो तुला राशि पर पड़ रही है, तो तुला राशि के लोगों पर भी इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। मेष राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और तुला राशि के लोग अपने पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ पर थोड़ा ध्यान रखें। बाकी जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बन रहा है, वो चंद्र ग्रहण के टाइम पर चंद्रमा के वैदिक बीज मंत्र का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, ये वैदिक बीज मंत्र होता है, और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट मंत्र होता है। बात करेंगे सूतक काल की, तो ग्रहण से ठीक 9 पहले, 3 पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, तो 9 पहले सूतक काल लग जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, ग्रहण के टाइम पर जो गर्भवती महिला हैं उनको विशेष ध्यान रखना होता है। किसी भी नुकीली चीज़, धारदार हथियार, बटन, सुई, चाकू, सब्जी काटना, इन चीज़ों को नहीं करना है, नींद नहीं लेनी है, ठीक है। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। चंद्रमा का जो कनेक्शन होता है वो हमारे मन से होता है, तो मानसिक अशांति पैदा करेगा। चंद्रमा से जुड़ी हुई चीज़ों का चंद्रमा का कनेक्शन जल से होता है, जैसे वाटर तत्व होता है वो शरीर में होता है, वो चंद्रमा से कनेक्शन होता है। मन, मस्तिष्क और माता से कनेक्शन होता है। चीनी, दूध, ग्रहण काल में ना तो भोजन पकाना है, नहीं इस तरह की चीजों का दान करेंगे तो ठीक है। और अगर रखा हुआ है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। जिनकी कुंडली में चंद्रमा मारक है वही लोग ग्रहण करें, जिनकी के बाद योग करक है स्नान करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। बाकी चंद्रमा ग्रहण काल के टाइम पर उसको जाप करें, मंदिरों के कपाट बंद कैसे जाते हैं, चंद्रमा पूजा पाठ बस मंदिर नहीं है, सब लोग चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करो। ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र आपके मन को बहुत अच्छा रखेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रही जानकारी चंद्र ग्रहण के बारे में। अगर कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखते हैं, धन्यवाद।